हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिमरन गुंबर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सिद्धांत। अब हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है या किन सिद्धांतों को फॉलो करती है। अब ये तो है नहीं कि हम अगर बड़े हो रहे हैं तो किसी भी हैपजार्डली हमारे साथ कभी भी कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, वो एक पूरी बॉडी को लेकर, एक ह्यूमन बीइंग को लेकर कुछ ऐसे प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं जो मोर और द लेस हर ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई होते हैं, फॉलो होते हैं। तो आज हम वो चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल समझेंगे ताकि हम बच्चे की डेवलपमेंट को समझ पाएं। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जन्म लेने से मरने तक डेवलपमेंट चलती रहती है। मतलब डेवलपमेंट, एक बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे आप देखोगे उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, कभी क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस, सोशल डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो चेंजेस हैं डेवलपमेंट के, ये इंसान के थ्रू आउट द लाइफ मरने तक चलते रहते हैं। क्या इनके लिए एक लाइन यूज होती है डेवलपमेंट के लिए, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। मतलब माँ के पेट से लेकर मरने तक डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो तो चलती रहेगी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, हो सकता है आपको कुछ चेंजेस ना दिखे, लेकिन आपकी किसी ना किसी वे में डेवलपमेंट हो रही होती है। तो आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सेकेंड प्रिंसिपल, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब ये जो डेवलपमेंट होती है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे को पेन पकड़ाते हो या कोई चीज़ पकड़ाते हो, लेट्स सपोज आपने ये पेन पकड़ा दिया लिखने के लिए, तो वो कैसे पकड़ता है? क्योंकि अभी उसकी इतनी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होती, वो पूरे हाथ से ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, लिखने की कोशिश करता है, सब कुछ ऐसे करता है। क्यों? अभी उसकी जो इतनी फिंगर्स हैं, उसके हैंड्स हैं, इतने उसके डेवलप नहीं हुए होते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है, तो वो इम्पॉर्टेंट समझता है कि मैं सिर्फ ये दो फिंगर्स की हेल्प से यहाँ पे पकड़कर और ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, पहले तो वो पूरे हैंड को पकड़ के लिखने की कोशिश कर रहा था, या बॉल पकड़ाओगे तो पूरे हैंड से ऐसे कर रहा था, पूरा हाथ ऐसे कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी डेवलपमेंट होती गई तो वो समझने लग गया कि एक हाथ से पकड़ सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, हमें क्या पता चलता है, डेवलपमेंट पहले जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। तो हमारा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि डेवलपमेंट स्पेसिफिक से जनरल होती है या जनरल से स्पेसिफिक होती है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, बच्चा जब छोटा होता है और वो रोता है, पूरी बॉडी, हाथ पैर हिलाता है, मुंह हिलाता है, सब कुछ हिलाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो रोता है, तो उसकी जो क्राइंग होती है, रोना होता है, वो सिर्फ वोकल कॉर्ड्स और आँखों से पानी आता है, वोकल कॉर्ड्स से उसकी रोने की आवाज़ें आ रही होती है, हाथ पैर हिलाना बंद कर देता है। तो ये क्या हो रहा है, ये उसकी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल 3, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। हमें पता है हर एक इंसान अलग होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो आप दो बच्चों को खड़ा कर दो और आप ये नहीं कह सकते आज इसकी 1 इंच हाइट बढ़ी, इसकी क्यों नहीं बढ़ी, या ये ज़्यादा वर्ड्स वोकैबुलरी के यूज़ कर पा रहा है, इसके ये इतने वोकैबुलरी के वर्ड्स क्यों नहीं यूज़ पा रहा। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी अप्लाई होता है, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, सबकी डेवलपमेंट अलग अलग पेस पर होती है। कोई किसी चीज़ में, किसी फील्ड में बहुत फास्ट होगा, दूसरा बच्चा स्लो होगा, या कोई किसी चीज़ मैथ्स में बहुत अच्छा है तो इंग्लिश में अच्छा नहीं है। तो हम किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, या उन दोनों की डेवलपमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते। मोर और द लेस डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करती है, बट वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस्ड होती है। हर किसी की डेवलपमेंट अलग अलग पेस पर बढ़ेगी, अलग अलग तरीके से होगी। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल 4, डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म।
अब आप ये नहीं कह सकते पहले 2 साल में बच्चा इतना डेवलप हुआ फिर तो बढ़ ही नहीं रहा। डेवलपमेंट जो होती है उसका पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है। अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, मतलब आप इतनी जल्दी देखते हो बच्चे के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, बट जब वो लेटर चाइल्डहुड में होता है तो आप कुछ मेजर डेवलपमेंट के चेंजेस नोटिस नहीं कर पाते। तो जो ये डेवलपमेंट है उसका जो पेस है, उसका जो तरीका है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉडल सीक्वेंस। सिफेलोकॉडल सीक्वेंस होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को फॉलो करता है कि पहले सबसे पहले बच्चा हेड पे कंट्रोल पाएगा, उसका हेड पे कंट्रोल आएगा, फिर उसके यहाँ पर शोल्डर्स का कंट्रोल आया, इन द सेम वे उसके नीचे बॉडी प्रोसीड करती जाएगी, एट द एंड उसका लेग्स पर कंट्रोल आएगा। तो ये क्या हो रहा है, सिफेलोकॉडल सीक्वेंस क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉलो करती है फ्रॉम हेड टू टो, मतलब हेड से उसका कंट्रोल बनना स्टार्ट होता है टिल टो तक जाता है। तो हमसे ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में सिफेलोकॉडल सीक्वेंस क्या होती है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को फॉलो करती है फ्रॉम हेड टू टो। देन सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल टेंडेंसी। अब ये प्रॉक्सिमो डिस्टल टेंडेंसी क्या है, ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेरिफेरी। अब यहाँ पर क्या होगा, सेंटर से बच्चे की मूवमेंट्स ज़्यादा एक्सपैंड होनी या रिफाइन होनी शुरू होगी। पहले उसका यहाँ पर कंट्रोल आया, यहाँ की आर्म्स, यहाँ की मसल्स, बड़ी मसल्स जो होती है ना उसकी मेजर बड़ी, यहाँ की डेवलप हुई, देन उसका आर्म्स पे कंट्रोल आएगा, आर्म्स की जो उसकी स्किल्स होंगी वो डेवलप होंगी, एट द एंड उसका हैंड्स और फिंगर्स पे आएगा। तो ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेरिफेरी चल रहा है, यहाँ से शोल्डर्स, देन आर्म्स एंड देन हैंड्स और फिंगर्स। तो ये वाला कौन सा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल टेंडेंस। प्रिंसिपल 7, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेवलपमेंट का। जितने भी हमने पहले टॉपिक में डोमेन्स पढ़े, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर मोरल डेवलपमेंट, या फिर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट, ये मोर और द लेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। लेट्स सपोज आप मान लो किसी बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, वो बोल नहीं पाता अच्छे से या बात नहीं करता, तो क्या होगा, उसकी ये जो डेवलपमेंट स्लो है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी सोशल डेवलपमेंट में, क्योंकि वो बच्चा अच्छे से अपने व्यू पॉइंट नहीं रख पाता, बोल नहीं पाता, तो उसकी ऑन द अदर हैंड जाकर सोशल डेवलपमेंट भी वीक होगी। तो ये क्या करा, एक डेवलपमेंट पार्ट ने दूसरे डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट करा। ऐसे ही अगर कोई बच्चा फिजिकली बहुत फिट है, हेल्दी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहता है, तो उससे क्या होगा, वो सारा दिन उसके अंदर बहुत एनर्जी रहेगी, तो वो हो सकता है सोशली बहुत अच्छा हो, लोगों से इंटरेक्ट करने में या दिखने में पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है तो वो लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, बाकी डोमेन्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इन द सेम वे हमारे जितने डोमेन्स हैं डेवलपमेंट में वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, मतलब किसी का एक अगर डेवलपमेंट के एरिया में किसी की ग्रोथ हैम्पर कर गई, स्लो हो गई, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डोमेन पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटेड है। उसके बाद 8, जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हमारी जो डेवलपमेंट है, लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ मेरी जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ हेरिडिटी पर बेस्ड नहीं है या फिर सिर्फ एनवायरनमेंट पर बेस्ड नहीं है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का एक जॉइंट प्रोडक्ट है। अब मान लो एक बच्चा है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, पहला रीज़न जीन्स, उसको अच्छे जीन्स मिले, उसके मम्मी पापा अच्छे थे, उनकी हाइट लंबी थी तो उसकी हाइट अच्छे से बढ़ रही है। दूसरा चीज़ और उसको क्या इन्हांस कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा डेली बार खेलने जाता है, बास्केटबॉल खेलता है, लटकता है, अच्छी डाइट लेता है, तो भी उसकी हाइट अच्छे से बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों ने रोल प्ले करा ना, उसके जीन्स अच्छे थे और उसने इन्वायरमेंट उसको अच्छा प्रोवाइड करा गया जिसकी वजह से उसकी हाइट लंबी हो रही है। तो जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पर हमारे जो मेन प्रिंसिपल्स थे डेवलपमेंट के वो ख़त्म होते हैं। अब ये टॉपिक
हमारे लिए एज अ टीचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। हम ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं जब कल को हमारी क्लास में हमारे सामने स्टूडेंट्स होंगे तो हम किन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें, कैसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ करें कि हम उनकी डेवलपमेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। लेट सपोज एक बच्चा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है क्योंकि उसके जीन्स उस फील्ड से रिलेटेड अच्छे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, उसको और इन अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो ताकि उस बच्चे की वो स्किल इन्हांस होकर आए, ताकि जॉइंट प्रोडक्ट जब होगा ना हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी, तो उसकी जो स्किल होगी वो और बेटर हो जाएगी। इन द सेम वे आपने कोई एक्टिविटी करवाई क्लास में, आप देख रहे हो एक बच्चे ने तो 5 मिनट में कर ली, दूसरे बच्चे को तो 15 मिनट लग गए। अब आप सोचो, आप इरिटेट हो जाओ कि कैसा बच्चा है। नहीं, अगर आपने ये डेवलपमेंट का प्रोसेस, ये प्रिंसिपल समझे हुए तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी अप्लाई होता है। हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हो सकता है वो बच्चा बहुत फास्ट था पर दूसरे को, हमें उसको भी तो टाइम देना है ना, सब अपनी पेस पे प्रोसीड करते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि सीफेलोकॉर्डल सीक्वेंस फॉलो होता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, कि मान लो आपके पास कोई छोटा सा बच्चा है, आपने उस बहुत ही छोटा बच्चा है अभी थोड़े टाइम पहले बॉर्न हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप उसको पकड़ रहे हो तो आपको उसके सर पे हाथ रखना है क्योंकि अभी उसका हेड पे कंट्रोल नहीं होता, एकदम से गिर जाएगा। तो आपको ये उनकी डेवलपमेंट के बारे में पहले से पता होना चाहिए ना, या फिर आपको ये पता है कि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होती। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जब अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं क्लास में तो उनकी डेवलपमेंट आप बहुत फास्ट देख पा रहे हो, लेकिन जब अगर आपके पास फिफ्थ या सिक्स्थ क्लास के बच्चे आ गए तो आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट यूनिफॉर्म नहीं होती। इनिशियली वो अर्ली चाइल्डहुड में बहुत फास्ट होती है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में जाकर वो स्लो हो जाती है। तो ये सब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हमें एज अ टीचर समझने बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगर सीटेट का पेपर ईजी आया तो आपसे डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे इस प्रिंसिपल का कि बताओ इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है या नहीं है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी, आपकी डीप थिंकिंग चेक होगी, तो क्या चेक होगा? आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि आप इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को अपनी टीचिंग में कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे में से निकाल सकते हो और कैसे उसकी ग्रोथ में आप अपना योगदान देते हो। इसी के साथ हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट की टॉपिक 2 का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।